देखिए लगातार चुनावी कवरेज के दौरान हमारी टीम बनी हुई है और तमाम यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं रमेश सिंह कुशवाहा जो है उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में लगातार ये लोग सभी जगहों पे जा रहे हैं और जनता के पास जा करके लोगों से कह रहे हैं कि भाई मोदी और नीतीश के नाम पर इस बार भी आप लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा को MP बनाइए। रिंकू जी यहाँ पे मौजूद हैं, रिंकू पांडे जी आपका नाम हुआ जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है माहौल, आप लोग तो लगातार जा भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना है लोगों का? लोगों का कहना यही है कि अफवाह नहीं है, यहाँ जमीनी स्तर पर हम लोग का बहुत अच्छा समय है अभी। अच्छा, हम लोग घूम रहे हैं गाँवे हाँ। तो ग्रामीण सब का कहना है कि लोग अफवाह फैला करके रखे, हमको बदनाम कर रहा है सर। अफवाह फैलाया गया यही कि हिना साहब का श्रवण का वोट है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। यहाँ जमीनी स्तर पर हम लोग घूम रहे हैं तो उन लोग को पता नहीं है कि हिना कौन है अभी। अच्छा, अभी वो जाने भी नहीं है। यहाँ मोदी जी का नाम हर लोग के जुबान पर है। तो इस बार क्या होने जा रहा है जो आप सुन रहे हैं, वाकई वो होने जा रहा है कि कुछ और होने? ना ना ना, ऐसा बात नहीं, हम लोग का मोदी जी यहाँ से विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेंगी हाँ। मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, हर एक ग्रामीण का मोदी जी का नाम मुंह पर है। लड़ाई किन से होगी? लड़ाई तो वो लोग तीन लोग आपसे में लड़ रहा है, हम लोग का तो किसी से लड़ाई ही नहीं है हाँ। यहाँ महागठबंधन जीवन यादव जी हिना मैडम जी तीन लोग अपने में लड़ रहे हैं हाँ। हम लोग बहुत आगे वोट से निकलेंगे, बहुत आगे वोट से जीतेंगे, आगे वोट से निकल जाएंगे, बहुत आगे वोट। क्या लग रहा है, महागठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है और निर्दलीय कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ण हमारे साथ है। जब देश है, संविधान है जी, तो खतरा किस चीज़ का? अपने से अपनों को कभी खतरा हुआ है जी? जी नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है जी? तो फिर इस बार क्या होगा? जो जमीनी स्तर पर देख रहे हैं, जो विजय लक्ष्मी जी जीत रही हैं, जीत रही हैं, जीत रही हैं। कैसे जीत रहे हैं बताइए? लोगों का समर्थन से जीत रही हैं हाँ। जन समर्थन उनके पास। अच्छा, कुछ लोग केवल सवर्ण समाज की बात करते हैं हाँ। लेकिन विजय लक्ष्मी जी सर्व समाज की बात करती हैं। अच्छा, तो जहाँ सर्व समाज जिसके साथ है उसका विजय है। विजय है पक्का एकदम? पक्का विजय है। नाम बता दीजिए। संजय पांडे। बताइए क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस बार? इस बार बस 400 पार होने वाला है। 400 पार पक्का? महागठबंधन कह रही है कि भाई संविधान खतरे में। अरे वो तो हर बार मोदी जी जब जब अच्छे कार्य किए हैं तब तब ये लोग विरोध किए हैं उसे हाँ। और जितना बार विरोध किए हैं उतने बार वो हाशिए पे गए हैं हाँ। तो इससे आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, 400 पार इस बार होने वाला है, उसमें सिवान भी अपना अहम रोल निभाएगा हाँ। पक्का। ये जो इलाका है ये तो भाकपा माले का गढ़ माना जाता है, यहाँ विधायक भी भाकपा माले। अरे काहे का भाकपा माले महाराज, भाकपा माले थोड़े है, बीजेपी का गढ़ है यहाँ, सावण बाहुल क्षेत्र भी है और साथ साथ में अब तो कैंडिडेट भी विजय लक्ष्मी जी आ गई हैं, तो यहाँ तो कोई अगड़ा पिछड़ा कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है ना, अगड़ा पिछड़ा का कोई बातें नहीं है, सर्व समाज उनके साथ है। आप देखिए ना जमीन पे आप घूम रहे हैं ना साथ में, पहले जो चल रहा था और देखिए जिस तरीके से अब गोलबंदी चालू हुआ है आपको दिखेगा। 20 मैं बोला था पहले बार भी इंटरव्यू में कि 20 तारीख तक देखिए, 20 तारीख के बाद माहौल एकदम बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये गोलबंदी क्या 25 तक रहेगी, उस समय तक क्या रहेगा? पहले जिधर था उधर से पोलराइज होकर के अब ये गोलबंदी, अब एकदम सीधा NDA की तरफ। किधर था पहले? कुछ लोग हवा फैलाए हुए थे कि नहीं नहीं सावण जा रहा है हिना मैडम जी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस पे से कोई एतराज नहीं किया। हम लोग जब जमीन पे आए गांव-गांव में डोर टू डोर कैंपेन किए, सभी अपने मित्र अपने घर अपने बुजुर्ग अपने गार्जियन लोगों से मिले तो ये पता चला हम लोगों को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं सामने फ्रंट पे हैं, वही दिख रहा है, चंद लोगों के वजह से ये सब माहौल क्रिएट है, बाकी कुछ नहीं है। और अभी भी आप देखिए हम लोग जिस गाँव में गए हैं हर छोटे से बड़े सभी तबकों में, खैर हम लोग तो बोल रहे हैं लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे जो विश्वास कर रहा है बोल नहीं रहा है, चुपचाप माइंड उनका फिक्स है, बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, एकदम माइंड फिक्स है। आप उनसे दिल से कभी जाके पूछिए, वो सीधा घूम फिर के आएगा कि मोदी जी हैं तो बस ठीक है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी थी कैंडिडेट को लेकर के लेकिन अब नाराजगी कोई नहीं है हाँ। बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग इनको थोड़े वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कैंडिडेट से कोई मतलब थोड़े है, मोदी मतलब कि जीत पक्की है, पक्की है 100% जीत। आप जिस इलाके से आते हैं शायद वो रघुनाथपुर का क्षेत्र आता है तो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, विधायक यही सदेव जी हाँ, हाँ, ये तो भाकपा माले का खैर गढ़ है, तो क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा क्या? ना ना कुछ असर नहीं पड़ेगा, यहाँ सब कभी भी भाजपा यहाँ से एक नंबर रहा है, दरौली विधानसभा में हमेशा ही भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ सब वोट
बीजेपी को जाएगा। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। आईटीआई के साथ साथ आईएससी करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बढ़रिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680916267361। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़रिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154 2457107909035562।